तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसा कि मैंने कल एक वीडियो बना के बताया था कि मैं आज लोगों के कमेंट्स पे आपको रिप्लाई करके वो सब कमेंट के आंसर देने वाला हूँ, जो कि लोगों ने कमेंट के अंदर मुझसे क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर मैं आपको देने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ 6 से 7 क्वेश्चंस पिकआउट किए गए और उसके बारे में आपको आंसर देने वाला हूँ। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है रोहन परमार 6030 से कि आई कंफर्ट सीट को सैमसंग में कैसे मतलब वर्किंग नहीं कर रहा उनके डिवाइस में, ऐसा उनका कहना है। तो हो सकता है 1UI 6.0 का अपडेट नहीं कर रहा। तो यहाँ पर मैं अपनी मोबाइल की रिकॉर्डिंग लगा के बता देता हूँ कैसे आपको उसको यूज करना है और कैसे उसको इनेबल करना है। तो उसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ मैं रिकॉर्डिंग ऑन। उसके लिए आपको नोटिफिकेशन पैनल पे जाएंगे। नोटिफिकेशन पैनल पे अभी नए में आपको यहाँ पर ब्राइटनेस के नीचे ही ऑप्शन मिल रहा है आई कंफर्ट शीट, आप उसको जाके यहाँ से ऑन कर लीजिए और वो तुरंत ही ऑन हो जाएगा। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर कस्टम पे लगा के रखा और मैं एडिक्टिव पे कर लूंगा तो ये तुरंत ऑन हो चुका है। आप देख सकते हैं ये तुरंतली ऑन हो गया है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर आपके पास भी ऐसा, अगर आपके मोबाइल में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा उसको रिस्टार्ट करके देख लो तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है भाई कि नेट की बहुत प्रॉब्लम आ रही है आफ्टर अपडेट। ये क्वेश्चन दो लोगों ने पूछा है। पहले तो पूछा है हेल्पिंग वर्ड्स ने, भाई सब कुछ कर लिया पर नेट की कर लिया भाई प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा ही है पूछा है आनंद यश होम 413, उन्होंने पूछा है कि उन्होंने अपडेट करने के बाद उनको बैटरी का इश्यू आ रहा है और 1UI 6 अपडेट होने के बाद 5G और 4G में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, ऐसा उनका कहना है। और एक और ने पूछा है DN7049, उन्होंने भी पूछा है अपडेट के बाद नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है 3-4 लोगों ने पूछा है कि उनको अपडेट के बाद नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपके पास भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको करना क्या है, तो पहले तो मैं यहाँ पर मोबाइल की रिकॉर्डिंग करके चलाऊँ तो आपको आपको इजीली समझ में आए। यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले जाना है आपको अपने मोबाइल के कोई से भी ब्राउजर में। तो अपने मोबाइल के कोई से भी ब्राउजर में चले जाना है। ब्राउजर में जाने के बाद आपको करना क्या है, आपको अपने मोबाइल कोई से भी ब्राउजर में चले जाना है। ब्राउजर में जाने के बाद आपको जाना है 3 डॉट्स पे एंड देन चले जाना है सेटिंग्स पर। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको क्या करना है, हिस्ट्री प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे जाना है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी जाने के बाद आपको क्लियर ब्राउजिंग डेटा में जाना है और यहाँ पर ऑल टाइम सिलेक्ट करके आपको कुकीज साइट एंड कैच इमेजेस एंड फाइल को क्लियर डेटा पे क्लिक कर देना है। तो सारी एप्स के लाइन आ जाएगी, आपको सबको सिलेक्ट करके यहाँ पर क्लियर डाटा कर देना है। डेटा क्लियर करने के बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्यूशन हो तो उसके बाद जाना है आपको वापस अपने मोबाइल की यहाँ पर सेटिंग्स पे। मोबाइल की सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर जनरल मैनेजमेंट में। जनरल मैनेजमेंट में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर रीसेट वाले ऑप्शन पे और वहां पर जाना है आपको रीसेट मोबाइल नेटवर्क सेटिंग। तो आपको इसको भी रीसेट कर लेना है, रीसेट पे क्लिक करके रीसेट मोबाइल सेटिंग कर लेना है। एंड देन उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर कनेक्शन पे। कनेक्शन में जाने के बाद यहाँ जाना है मोबाइल नेटवर्क पे। मोबाइल नेटवर्क में जाने के बाद आपको जाना है एक्सेस पॉइंट नेम्स पे एंड देन आपको यहाँ पर इसको रीसेट कर देना है, रीसेट टू डिफॉल्ट। रीसेट टू डिफॉल्ट करने के बाद बस अपने मोबाइल को आपको रिस्टार्ट कर देना है और आपका फ़ोन वहाँ पर चालू हो जाएगा। और आप उसको भी चालू कर देना वॉइस ओवर 5G, मतलब कि अगर 5G नेट पे रहेगा तो आप वहाँ पर उसका आपकी नेट भी चलता रहे और कॉलिंग भी चलती रहे। तो इससे आपकी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि मैंने करा और मेरे साथ ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन होता है। तो आप भी इसको ट्राई करिएगा। अब उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन किसने पूछा है वो देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा है User/JK4SI1LX1R 30 दिन बाद डेटा वापस ला सकते हैं क्या। मैंने एक रिसाइकिल विन के ऊपर वीडियो डाली थी, अब उसमें वो पूछ रहा है भाई कि 30 दिन के बाद डेटा को रिकवर कर सकते हैं। तो रिसाइकिल विन में जो फोटोज या वीडियोज या कुछ भी चीज़ आपने डाली हुई है तो एग्जैक्ट 30 दिन बाद मतलब 31 वाले डेज वाले दिन सारी डेटा डिलीट हो जाएगा। तो 30 दिन मतलब लास्ट आप 30 दिन के 11:59 तक भी अगर आप वहां से रिकवर कर पाए तो कर सकते हैं, और एग्जैक्ट 30 दिन के ऊपर हो जाएगा तो वहां से आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो ये इसका आंसर है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो भी कोई यूजर है /MU4JN9KR4P6, मेरे सैमसंग के मोबाइल में उसमें ना डिवाइस केयर वाला ऑप्शन में चार्जिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो उसमें ऑन कैसे करें। तो उनका ऐसा कहना है कि उनके डिवाइस केयर वाले ऑप्शन में कोई चार्जिंग का ऑप्शन नहीं मिल रहा। तो
तो चेक कर लेते हैं डिवाइस केयर में। डिवाइस केयर अभी रिसेंटली अपडेट भी हुआ था और अभी वन यू आई 6.0 होने के बाद भी अपडेट हुआ है। तो मैं आ गया हूँ सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे आने के बाद मैं आ गया डिवाइस केयर में। तो डिवाइस केयर में आ गया, डिवाइस केयर में आने के बाद मैं आ गया यहाँ पर बैटरी वाले ऑप्शन पे। एंड देन बैटरी वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पर जा रहा हूँ, यहाँ पर चार्जिंग का ऑप्शन तो शो हो रहा है, वो उनका पता नहीं क्यों नहीं शो हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं चार्जिंग का ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है और चार्जिंग सेटिंग्स भी यहाँ पर शो हो रही है। आप चार्जिंग की सेटिंग्स भी यहाँ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास नहीं शो हो रहा तो आपको इसको अपडेट कर लेना है, और अपडेट करने के बाद आप चेक करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम वहाँ पर सोल्यूशन हो जाएगी। अपडेट करने के लिए आपको गैलेक्सी स्टोर में जाना होगा। अगर गैलेक्सी स्टोर में नहीं जा पा रहे, आपने आपको नहीं दिख रहा है, तो आपको करना क्या है, इसी ऐप में आना है, डिवाइस केयर वाली सेटिंग में आना है। डिवाइस केयर वाली सेटिंग पे आना है, बैक आना है मेन स्क्रीन पे, एंड देन यहाँ जाना है आपको सेटिंग्स पे, एंड देन जाना है अबाउट डिवाइस केयर में। अबाउट डिवाइस केयर में जाने के बाद यहाँ पर आपको अपडेट को चेक कर लेना है। अगर यहाँ पर अपडेट अवेलेबल होगा आपको इस अपडेट पे क्लिक करना है और डायरेक्टली आपको गैलेक्सी स्टोर पे ले जाएगा और आपको उसको वहां से डाउनलोड कर लेना है। अब उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है होम स्क्रीन पे लास्ट रो में एक साथ इतने सारे ऐप आपने कैसे ऐड कर रखे हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे मैंने यहाँ पर अपने होम स्क्रीन में इतने सारे ऐप्स को ऐड ऑन करके रखा है। लगभग मैंने 4-8 मैंने यहाँ पर ऐड ऑन किए हुए हैं। तो अगर आपको भी ऐसा ऐड ऑन करना है तो कैसे करना है उनका ऐसा पूछना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने मोबाइल में आपको गुडलक का ऐप डाउनलोड कर लेना है। गुडलक वाली ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको उसके अंदर जाना है, होम अप वाले मॉड्यूल में चले जाना है। गुडलक की ऐप डाउनलोड कर ली, गुडलक की ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है यहाँ पर होम अप वाले ऐप में। गुडलक की ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है यहाँ पर होम अप वाले मॉड्यूल में चले जाना है। होम अप वाले मॉड्यूल में जाने के बाद, होम अप वाले मॉड्यूल में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर होम अप स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पे जाने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है फेवरेट मैक्सिमम 9 पे, और ये आपको होम स्क्रीन वाली जो दिख रही है ना सब ग्रिड को आपको 7-7 पे भी क्लिक कर देना है। ठीक है, ये जो सेटिंग दिख रही है आपको सारी सेटिंग ऐसी कर लेनी है और उसके बाद वहां पर आप एड ऑन कर पाएंगे। आप देख रहे होंगे आपको सिंपली यहां पर क्लिक करना है और एड ऑन कर सकते हैं आप यहां पर इसको ड्रैग करके। तो यहां पर आप एक एक करके ड्रैग करके आप यहां इजीली स्क्रीन के थ्रू आप यहां पर एड ऑन कर पाएंगे। इसके बाद किसी ने पूछा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है अशोक मुखंड ने, कि हाउ टू सेट अ रिमाइंडर। तो रिमाइंडर सेट कर सकते हैं आप 2-3 तरीके से सिंपली। एक तो आप अपने बिक्सबी को बोल दो तो भी रिमाइंडर सेट हो जाएगा, जैसे कि हे बिक्सबी सेट अ रिमाइंडर ऑफ 10 मिनट्स। योर अलार्म फॉर 9:04 PM विल रिंग इन 10 मिनट्स। आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक लग गया है। अगर आप ऐसे नहीं लगा पा रहे तो आपको जाना है अपने मोबाइल के रिमाइंडर ऐप में। तो यहाँ रिमाइंडर वाली ऐप में चले जाना है। रिमाइंडर वाली ऐप में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, एंड देन यहाँ पर टाइटल डालना है और जो भी रिमाइंडर है जिस टाइम का डालना है उस टाइम को सिलेक्ट कर लेना है और वहां पर रिमाइंडर आपका ऐड ऑन हो जाएगा। सिंपली तरीके से आप यहां पर रिमाइंडर को भी ऐड ऑन कर पाएंगे। यही मैंने कुछ क्वेश्चन पिक्स आउट किए थे इस अपडेट में। आने वाले टाइम पे मैं हर संडे ऐसे ही क्वेश्चन पिक आउट करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नए अपडेट्स और ऐसे ही नए अच्छे अच्छे मेरे आइडियाज या तो ऐसे ही नए मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी नई इंटरेस्टिंग या बोल सकते हैं ऐसे ही नए मैंने आज पहली बार नया कुछ ट्राई किया था। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, नोटिस बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले और हो सके तो प्लीज़ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो और मुझे व्हाट्सअप ग्रुप व्हाट्सअप पर भी फॉलो कर लेना जिसमें मैंने अपना चैनल बना लिया है। थैंक यू सो मच।